हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं जो गिटार पे सॉन्ग और जो लेसन लेके आया हूँ वो सॉन्ग है चेहरा है या चांद खिला। ये इसका सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैंने इस गाने का इंट्रो जो कि गिटार से प्ले हुआ था वो सिखाया था, आई बटन पे जाके आप देख सकते हैं। और आज सेकेंड पार्ट में मैं इस गाने को पूरा गिटार पे लीड करना सिखाऊंगा। लेकिन हाँ, सीखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, साथ में अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करिएगा। तो आइए चलते हैं अपने गिटार पे। सॉन्ग का स्केल ए माइनर है, जैसा मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया हुआ है। तो आइए चलते हैं इसका स्थाई देखते हैं, इसका स्टार्टिंग सॉन्ग क्या है। गाना स्टार्ट होता है ऐसे। ठीक है, आइए जल्दी से सीख लेते हैं। हमें फिफ्थ फ्रेट पे आना है, सेकंड स्ट्रिंग को वन टाइम बजाना है, और फिर फिफ्थ फ्रेट पे रहना है और फर्स्ट स्ट्रिंग को टू टाइम बजाना है, और फिर हमें आना है सेवन्थ फ्रेट पे, फर्स्ट स्ट्रिंग को वन टाइम बजाना है, फिर हमें एट्थ फ्रेट पे आना है, फर्स्ट स्ट्रिंग को वन टाइम बजाना है, और फिर हमें आना है सेवन्थ फ्रेट पे और फर्स्ट स्ट्रिंग को वन टाइम बजाना है, और फिर हमें आना है एट्थ फ्रेट पे फर्स्ट स्ट्रिंग को टू टाइम बजाना है। पूरा देख लेते कैसे बजेगा। ठीक है, फिर से देखते हैं। अब चांद खिला है, तो ये आएगा आपका फिफ्थ फ्रेट पे सेकंड स्ट्रिंग टू टाइम, दो बार। ठीक है, फिर आपका सिक्स फ्रेट पे आना है और सेकंड स्ट्रिंग वन टाइम, और फिर फिफ्थ फ्रेट पे आना है सेकंड स्ट्रिंग को टू टाइम। तो कैसे बजेगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट जो इसकी लाइन है वो है फिफ्थ फ्रेट पे आना है और सेकंड स्ट्रिंग को वन टाइम बजाना है, और फिर फिफ्थ फ्रेट पे आना है और फर्स्ट स्ट्रिंग को टू टाइम बजाना है, और फिर सेवन्थ फ्रेट पे आना है फर्स्ट स्ट्रिंग को वन टाइम बजाना है, और फिर आना है आपको एट्थ फ्रेट पे फर्स्ट स्ट्रिंग को वन टाइम, फिर सेवन्थ फ्रेट पे फर्स्ट स्ट्रिंग को वन टाइम, फिर एट्थ फ्रेट पे फर्स्ट स्ट्रिंग को वन टाइम, फिर सेवन्थ फ्रेट पे फर्स्ट स्ट्रिंग को वन टाइम। पूरा देखते हैं कैसे बजेगा ये। बी पे रुक गए उसके बाद। ठीक है, फिर हमें आना है फिफ्थ फ्रेट पे आना है और फर्स्ट स्ट्रिंग को वन टाइम, और फिर हमें फर्स्ट स्ट्रिंग वन टाइम फिफ्थ फ्रेट पे कर देना है, मतलब टू टाइम इसको बजाना है, फिफ्थ फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग टू टाइम, और फिर फोर्थ फ्रेट पे आना है और फर्स्ट स्ट्रिंग को वन टाइम, और फिर ये हो गया। ठीक है, ठीक है, और फिर फिफ्थ फ्रेट पे आना है फर्स्ट स्ट्रिंग को वन टाइम। पूरा कैसे बजेगा अब आगे देखते हैं। ये इसको जोड़ना है इसमें, तो ये हम लोग आएंगे सेवेंथ फ्रेट पे आएंगे, फर्स्ट स्ट्रिंग को बजाएंगे वन टाइम, और फिर फिफ्थ फ्रेट पे आएंगे फर्स्ट स्ट्रिंग को वन टाइम, और फिर हम लोग आएंगे एट्थ फ्रेट पे और सेकंड स्ट्रिंग को बजा देंगे ऐसे। कैसे, तो ऐसे बजेगा। तो अब पूरा देख लेते हैं इसको। अब दोनों लाइनों को बजा कर देख लेते हैं। अब सागर जैसी आंखों वार, अब इस पे चलते हैं। ठीक है, हमें आना है एट्थ फ्रेट पे आना है और सेकंड स्ट्रिंग को वन टाइम बजाना है, सेवन्थ फ्रेट पे आना है और फर्स्ट स्ट्रिंग को टू टाइम बजाना है, और फिर आपको आना है टेन फ्रेट पे आना है और फर्स्ट स्ट्रिंग को टू टाइम बजाना है। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। एट फ्रेट पे आना था सेकंड स्ट्रिंग को वन टाइम, सेवन फ्रेट पे आना था फर्स्ट स्ट्रिंग को टू टाइम, फिर आना नाइन टेन फ्रेट पे आना है और फर्स्ट स्ट्रिंग को टू टाइम, और फिर सेवन फ्रेट पे आना है फर्स्ट स्ट्रिंग को टू टाइम, और फिर हमें एट फ्रेट पे आना है सेकेंड स्ट्रिंग को वन टाइम। कैसे, पूरा देखते हैं। ठीक है, आंखों वाली, अब ये देखते हैं। हमें एट फ्रेट पर रहना है और सेकंड स्ट्रिंग को वन टाइम बजाना है, और फिर हमें थोड़ा वेट करके स्ट्रोक करना है उसी को, उसी स्ट्रिंग को फिर से करना है एट फ्रेट सेकंड स्ट्रिंग, और फिर हमें आना है सेवन्थ फ्रेट पे सेकंड स्ट्रिंग वन टाइम, फिर एट्थ फ्रेट पे सेकंड स्ट्रिंग वन टाइम, फिर सेवन्थ फ्रेट पे सेकंड स्ट्रिंग वन टाइम, और फिर एट्थ फ्रेट पे सेकंड स्ट्रिंग वन टाइम। पूरा देख लेते हैं, अब पूरा देख लेते हैं इस लाइन को बजा के।
क्या आएगा, ये तो बता तेरा नाम है क्या, इसमें चलते हैं। सेवन फ्रेट पे आना है, सॉरी फिफ्थ फ्रेट पे आना है और सेकंड स्ट्रिंग को वन टाइम बजाएंगे। ये लाइन है तो आइए देखते हैं इसको। फिफ्थ फ्रेट पे आना है सेकंड स्ट्रिंग वन टाइम, फिफ्थ फ्रेट पे आना है फर्स्ट स्ट्रिंग को टू टाइम, और फिर सेवन फ्रेट पे आना है फर्स्ट स्ट्रिंग को वन टाइम, फिर हमें आना है एट्थ फ्रेट पे आना है फर्स्ट स्ट्रिंग को वन टाइम, फिर सेवन फ्रेट पे आना है और फर्स्ट स्ट्रिंग को वन टाइम, फिर आना है एट्थ फ्रेट पे फर्स्ट स्ट्रिंग को वन टाइम, फिर आना है सेवन फ्रेट पे फर्स्ट स्ट्रिंग को वन टाइम, और फिर हमें जाना है फिफ्थ फ्रेट पे फर्स्ट स्ट्रिंग वन टाइम, थोड़ा वेट है, फिर फोर्थ फ्रेट पे आना है फर्स्ट स्ट्रिंग को वन टाइम, और फिर आना है फिफ्थ फ्रेट पे फर्स्ट स्ट्रिंग को वन टाइम। कैसे, ठीक है, ये तो बता तेरा नाम है क्या, फिर से देखिए कुछ सेम फर्स्ट स्टेप पे जैसा है लेकिन थोड़ा लास्ट में चेंज हो गया। ठीक है, जैसे पहला पहली लाइन क्या था, चेहरा है या चांद खिला है, अब लास्ट लाइन क्या है, ये तो बता तेरा नाम है क्या, इतना चेंज है। फिर ये कॉर्ड्स आती है, ये आपका वही कॉर्ड है E sus4 में कॉर्ड कैसे लगेगी, आपको सेकंड बॉक्स में आना है, थर्ड फिंगर को थर्ड स्ट्रिंग पे रखना है और सेकंड फिंगर को आपको फोर्थ स्ट्रिंग पे रखना है, बाकी सब ओपन है। ये E sus4 कैसे, और इतनी बार आपको बजाना है, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ, ठीक है, ये 8 टाइम बजेगा। उसके बाद फिर से पूरा जो आपका स्टार्टिंग मैंने अभी सिखाया है वो फिर से उतनी लाइन पूरी रिपीट हो जाएंगी। तो उसको बार बार सिखाने से या बजाने से तो कोई मतलब है नहीं, समय वेस्ट होगा, वीडियो बहुत लंबा होगा। तो आइए चलते हैं इसके म्यूजिक पार्ट पर। आइए इसको सीख लेते हैं। हमको फर्स्ट स्ट्रिंग को ओपन ही बजाना है, ठीक है, फर्स्ट स्ट्रिंग ओपन जो कि ई नोट होता है, इसको ओपन बजाना है। फिर हमें आना है फर्स्ट फ्रेट पे आना है और सेकंड स्ट्रिंग को बजाना है। फिर हमें आना है सेकंड बॉक्स में थर्ड स्ट्रिंग को बजाना है और फिर सेकंड को ओपन बजाएंगे। ओपन बजाने के बाद फिर हम लोगों को फर्स्ट फ्रेट पे आना है और सेकंड स्ट्रिंग को बजाएंगे। फिर हमें सेकंड बॉक्स में आना है और फिर से थर्ड स्ट्रिंग को बजाएंगे। फिर थर्ड फ्रेट पे आना है और फोर्थ स्ट्रिंग को बजाएंगे और उसके बाद थर्ड स्ट्रिंग को ओपन प्ले करेंगे, मींस बजाएंगे। तो पूरा देख लेते हैं ये लाइन कैसे बजेगी। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद अब ये देख लेते हैं, इसमें आपको आना है सेकंड फ्रेट पे आना है और थर्ड स्ट्रिंग को बजाना है और फिर सेकंड बॉक्स में ही रहना है और फोर्थ स्ट्रिंग को ऐसे बजा देंगे। आप फिंगर भी देख सकते हैं, वीडियो को जूम करके जरूर देखिएगा। ठीक है, तो ये हो गया और फिर फर्स्ट फ्रेट पे आना है, थर्ड स्ट्रिंग को बजाना है और फिर हम लोगों को आना है सेकंड बॉक्स में आना है और थर्ड स्ट्रिंग को बजाना है। कैसे, और फिर सेकंड स्ट्रिंग को ओपन कर देना है और फिर फर्स्ट फ्रेट पे ही सेकंड स्ट्रिंग को बजाएंगे ऐसे और फिर कर देंगे हम लोग फर्स्ट स्ट्रिंग को ओपन। तो कैसे ये पार्ट हो जाएगा, हो गया। फिर से देखिए, स्लो में देखिए, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका 12 फ्रेट पे आना, हाई नोट्स हैं, वैसे आप यहां से बजा सकते हैं ये ई नोट अगर, ठीक है, तो हम लोग इसको यहां से बजाएंगे। अब आप चाहे तो यहां से बजा सकते हैं। तो 12 फ्रेट पे आएंगे और हम लोग क्या करेंगे, ये फर्स्ट वीडियो में भी ये पार्ट आया है तो वहां से भी सीख सकते हैं, वैसे यहाँ पे तो सिखा ही रहा हूं, कोई बात नहीं, ये से सीखिए। ठीक है, 12 फ्रेट पे आना है आपको और इसको वन टाइम बजाना है फर्स्ट स्ट्रिंग को। फिर आपको आना है 13 फ्रेट पे, फर्स्ट स्ट्रिंग वन टाइम। फिर आपको 12 फ्रेट पे आना है, फर्स्ट स्ट्रिंग वन टाइम, ये बजेगा टू टाइम। कैसे, ये वन हो गया, फिर उसी को रिपीट किया, दो बार हो गया। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, फिर देखते हैं 12 13 12 13, फर्स्ट स्ट्रिंग ही चल रही है, 12 13 12 13, ये भी दो बार है। उसके बाद फिर आ जाएगा 12 13 12, ये भी फर्स्ट स्ट्रिंग है, 12 13 12, ठीक है। तो ये हो गया, पूरा देखते हैं, फिर से देखिए स्लो में, ठीक है।
अब इसके बाद हम लोगों का अंतरा स्टार्ट होता है, तो आइए चलते हैं इसका अंतरा भी सीख लेते हैं। तो आइए सीख लेते हैं इसका अंतरा भी जल्दी से। हम लोगों को आना है 12th फ्रेट पे आना है और फर्स्ट स्ट्रिंग को वन टाइम बजाएंगे, और फिर 11th फ्रेट पे आना है फर्स्ट स्ट्रिंग को वन टाइम बजाएंगे, फिर 12th फ्रेट पे आना है फर्स्ट स्ट्रिंग को वन टाइम बजाएंगे। कैसे बजाएंगे? ठीक है, फिर उसके बाद आना है हमें 13th फ्रेट पे आना है और सेकंड स्ट्रिंग को टू टाइम बजाएंगे, और फिर 12th फ्रेट पे आना है सेकंड स्ट्रिंग को टू टाइम बजाएंगे, और फिर हम लोगों को आना है 10th फ्रेट पे आना है और सेकंड स्ट्रिंग को टू टाइम बजाएंगे, और फिर आना है हम लोग को 9th फ्रेट पे और सेकंड स्ट्रिंग वन टाइम बजाना है, और फिर हम लोगों को आना है 10th फ्रेट पे और सेकंड स्ट्रिंग वन टाइम बजाना है, और फिर हमें 12th फ्रेट पे आना है सेकंड स्ट्रिंग को टू टाइम बजाना है। तो पूरा बजा के देखते हैं। फिर से देखते हैं, पूरा देखते हैं। और लास्ट में आप इसको आप तीन बार भी प्ले कर सकते हैं, 12th फ्रेट और सेकंड स्ट्रिंग को थ्री टाइम प्ले कर सकते हैं। कैसे? यहां देखिएगा। ठीक है, फिर तू मुझसे अनजान सही। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। इसमें आपको 13th फ्रेट पे आना है और सेकंड स्ट्रिंग को वन टाइम प्ले करना है, फिर 12th फ्रेट पे आना है सेकंड स्ट्रिंग को वन टाइम प्ले करना है, और फिर 13th फ्रेट पे आना है सेकंड स्ट्रिंग को वन टाइम प्ले करना है, और फिर हमें आ जाना है 10th फ्रेट पे सेकंड स्ट्रिंग को टू टाइम प्ले करना है। कैसे? अब आना है हमें 12th फ्रेट पे आना है और सेकंड स्ट्रिंग को वन टाइम प्ले करना है, फिर 12th फ्रेट पे ही आना रहना है और फर्स्ट स्ट्रिंग को वन टाइम प्ले करेंगे, और फिर 13th फ्रेट पे आना है और सेकंड स्ट्रिंग को वन टाइम प्ले करेंगे, फिर 12th फ्रेट पे आना है और सेकंड स्ट्रिंग को वन टाइम प्ले करेंगे, और फिर हम लोगों को आ जाना है 13th फ्रेट पे सेकंड स्ट्रिंग को वन टाइम प्ले करेंगे। फिर क्या बजेगा ये यहां से? फिर से देखिए। पूरा बजा के देखते हैं। ठीक है, अब हम लोग आने हैं सेकंड लाइन पे आना है, सेम ऐसी थोड़ा ये बजेगा। 12th फ्रेट पे आना है फर्स्ट स्ट्रिंग वन टाइम, और फिर हमें आना है 11th फ्रेट पे फर्स्ट स्ट्रिंग वन टाइम, फिर हमें 12th फ्रेट पे आना है फर्स्ट स्ट्रिंग वन टाइम, और फिर हमें चले जाना है 13th फ्रेट पे सेकंड स्ट्रिंग को टू टाइम, और फिर 12th फ्रेट पे आना है सेकंड स्ट्रिंग को टू टाइम, और फिर हमें आना है 10th फ्रेट पे आना है और सेकंड स्ट्रिंग को वन टाइम वन टाइम, फिर हमें आना है 9th फ्रेट पे सेकंड स्ट्रिंग वन टाइम, फिर 10th फ्रेट पे आना है और सेकंड स्ट्रिंग वन टाइम, और फिर हमें चले आना है 12th फ्रेट पे और सेकंड स्ट्रिंग को थ्री टाइम। सेम ऐसी लाइन है, फिर से देख लेते हैं। फिर अब आगे देखते हैं। ये लाइन देखते हैं। ठीक है, इसमें आपको 13th फ्रेट पे आना है और सेकंड स्ट्रिंग को वन टाइम प्ले करना है, फिर हमें आना है 12th फ्रेट पे आना है और सेकंड स्ट्रिंग को वन टाइम प्ले करना है, और फिर हमें आना है और फिर हमें 13th फ्रेट पे आना है और सेकंड स्ट्रिंग को वन टाइम प्ले करना है, और फिर हमें पहुंच जाना है 10th फ्रेट पे और सेकंड स्ट्रिंग को टू टाइम प्ले करेंगे, और फिर हमें आना है 12th फ्रेट पे, इसमें थर्ड स्ट्रिंग प्ले होगी वन टाइम, और फिर हमें आ जाना है इसके नीचे ही 12th फ्रेट पे आना है और सेकंड स्ट्रिंग को वन टाइम प्ले, और फिर हमें आ जाना है 10th फ्रेट पे सेकंड स्ट्रिंग को थ्री टाइम प्ले, सॉरी 1 2 3, उसके बाद 9th फ्रेट पे आना है और सेकंड स्ट्रिंग वन टाइम प्ले, और फिर हमें आ जाना है 10th फ्रेट पे सेकंड स्ट्रिंग को वन टाइम प्ले। तो कैसे बजेगा? ठीक है, फिर क्या आता है इसका म्यूजिक, एक फिलर फिर से आ जाता है इसके बीच में। के बाद क्या आता है? ये अरमां है शोर नहीं हो खामोशी के मेले हो। 8th फ्रेट पे आना है फर्स्ट स्ट्रिंग को वन टाइम बजाना है,
फिर 7th फ्रेट पे आना है, फर्स्ट स्ट्रिंग को 2 टाइम बजाना है, फिर 5th फ्रेट पे आना है और फर्स्ट स्ट्रिंग को 3 टाइम बजाना है। तो कैसे? और फिर इसके बाद आना है आपको 8th फ्रेट पे आना है, फर्स्ट स्ट्रिंग को 1 टाइम बजाएंगे, 7th फ्रेट पे आना है, फर्स्ट स्ट्रिंग को 1 टाइम बजाएंगे, 10th फ्रेट पे आना है, फर्स्ट स्ट्रिंग को 1 टाइम बजाएंगे, और फिर हम लोगों को 7th फ्रेट पे आना है और फर्स्ट स्ट्रिंग को 1 टाइम बजाएंगे, और फिर हमें 5th फ्रेट पे आना है, फर्स्ट स्ट्रिंग को 2 टाइम बजाएंगे। कैसे? पूरा बजा के देखते हैं। ये अरमां है शोर नहीं है फिर खामो, ये भी देख लेते हैं। 8th फ्रेट पे आना है और फर्स्ट स्ट्रिंग को 1 टाइम बजाएंगे, 7th फ्रेट पे आना है, फर्स्ट स्ट्रिंग को 2 टाइम बजाएंगे, और फिर 5th फ्रेट पे आना है, फर्स्ट स्ट्रिंग को 3 टाइम बजाएंगे, और फिर हम लोग को क्या करना है, 5th फ्रेट पे ही रहना है, फर्स्ट स्ट्रिंग को बजाएंगे, और फिर 4th फ्रेट पे आना है, फर्स्ट स्ट्रिंग को बजाएंगे, और फिर 5th फ्रेट पे आएंगे, फर्स्ट स्ट्रिंग को बजाएंगे लेकिन स्लाइड कर देंगे 7th फ्रेट पे, और फिर 7th को एक बार प्ले कर देंगे। कैसे? आइए पूरा ये देख लेते हैं। अब आएगा, इस दुनिया में कोई नहीं हो, हम दोनों ही अकेले हो। चलिए 9th फ्रेट पे आना है, फर्स्ट स्ट्रिंग को आपको 6 टाइम बजाना। कैसे? इस दुनिया में 1 2 3 4 5 6, ठीक है, फिर कोई नहीं हो, तो इसमें 9th फ्रेट पे फर्स्ट स्ट्रिंग को आपको 6 टाइम बजाना था, 1 2 3 4 5 6, फिर 10th फ्रेट पे आ जाना, फर्स्ट स्ट्रिंग को 3 टाइम बजाएंगे कोई। अब क्या करना है, 9th फ्रेट पे आना, फर्स्ट स्ट्रिंग 1 टाइम, फिर 10th फ्रेट पे आना है, फर्स्ट स्ट्रिंग 1 टाइम, फिर 9th फ्रेट पे आना है, फर्स्ट स्ट्रिंग 1 टाइम, फिर 10th फ्रेट पे आना है, फर्स्ट स्ट्रिंग 1 टाइम। कैसे? पूरा देखते हैं, पूरा देख लेते हैं बजा के। इस दुनिया में कोई नहीं हो, अब क्या आएगा, ठीक है, इसको भी सीख लेते हैं जल्दी से। 8th फ्रेट पे आना है, सेकंड स्ट्रिंग को 1 टाइम, 7th फ्रेट पे आना है, सेकंड फर्स्ट स्ट्रिंग को 2 टाइम, फिर हमें आना है 10th फ्रेट पे आना है और फर्स्ट स्ट्रिंग को 2 टाइम, फिर 7th फ्रेट पे आना है, फर्स्ट स्ट्रिंग को 2 टाइम, और फिर हमें आना है 8th फ्रेट पे आना है, सेकंड स्ट्रिंग को 1 टाइम, और उसके बाद 10th फ्रेट पे आना है, सेकंड स्ट्रिंग को 2 टाइम, और फिर 9th फ्रेट पे आना है, सेकंड स्ट्रिंग को 1 टाइम, और फिर 10th फ्रेट पे आना है और सेकंड स्ट्रिंग को 1 टाइम। तो कैसे? पूरा देख लेते हैं, देखते हैं। अब क्या आता है, तेरे सपने देख रहा हूं और मेरा अब काम है क्या। और स्थाई आज के वीडियो में पहले मैं आपको सिखा चुका हूं, बस इसके बाद आपको उसी को प्ले करना है 2 टाइम, उसके बाद फिर सेकंड अंतर आएगा, सेकंड को वैसे ही प्ले कर दीजिएगा सेम म्यूजिक के साथ। तो आई होप कि आज का वीडियो, आज का लेसन आपको समझ में आया हो, और अगर समझ में आया हो तो लाइक शेयर कॉमेंट जरूर करिएगा, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही अच्छे अच्छे लेसन आपको मिलते रहेंगे, और साथ में ऐसे वीडियो बनाने में थोड़ी मेहनत लगती है। थैंक यू सो मच।